सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। हम आ चुके हैं वापस एक और नए गेम प्ले वीडियो में। सो ये जो वीडियो है आज पूरी, उसमें भाई पूरे 3 गेम प्ले है, क्योंकि मेरा एक भी इज्जत से गेम प्ले नहीं बन पाया। तो 3 गेम प्ले का कॉम्बो है, जिनमें से एक में 10, एक में 8 और एक और में 10 किल्स के साथ हमारा मैच जा रहा है। तो अब भाई मैच चालू कर देते हैं। ये वाला है हमारा पहला मैच, जिसमें भाई ये लौंडा लेट से अलग ही मजे ले रहा रहता है। तो इसे बचाने के बाद हम भाई इसके टीममेट को स्पॉट करते हैं, जो कि भाई बॉट मारने में बिजी रहते हैं। और भाई हमारे मिस्टर एपिक गेमिंग भैया, जो हजारों सालों बाद आए हैं आज, उन्होंने जो मारा भाई लोंडो को धर धर के मारा, उसका हम बयान नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक लोंडा स्पॉट होता है, जिसके लिए मैं कंफ्यूज रहता हूँ, शॉर्टगन से मारूँ एआर से मारूँ किससे मारूं, मेरे को पता नहीं रहता है। एंड भाई यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है ना, मेरे को लगता है मेरा किल गया और आखिरी गोली लग जाती है भाई, तो हमारा किल सेव हो जाता है। और गाइस, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई KPS ऑसम कंटेंट लाते रहेगा अपनी ऑडियंस के लिए। तो अब थोड़ा देर की मौन व्रत और आगे चलते हैं और बंदों को बचाने के लिए। तो भैया अब मिस्टर एपिक गेमिंग भैया कहीं और ही पंगे ले रहे रहते हैं, तो भाई हम चले आते हैं उन्हें बचाने के लिए। और यहाँ पर वो किसी और को मारते हुए किसी और से नॉक करते हैं, जिसे हम नॉक दे देते हैं। एंड भाई उसके बाद उन्हें रेफ करते हैं। एंड अब इसे इन्हें रेफ देते हुए हम भाई उस बंदे को फिनिश करने का सोचते हैं। बट भाई छोड़ो यार, टीममेट पहले, और एक स्मोक करके भाई मैं गाड़ी लेके रश कर देता हूँ, क्योंकि भाई बंदों की हेल्थ पक्का डाउन होगी, क्योंकि मिस्टर एपिक गेमिंग यहाँ पे बैठ कर झुनझुना तो बजा नहीं रहते, डैमेज ही दे रहे। तो भाई हम कर देते हैं रस। और अब यहाँ पर जो दो बंदे रहते हैं, उनमें से एक को गाड़ी से कुचलता हूँ, बट वो मरता नहीं है। सो भाई एस पल के से एक गोली पड़ने से वो मर ही जाता है। एंड अब यहाँ पर भाई एक लौंडा और बचता है, जो कि पीछे आके लेट के सांप बन चुका रहता है। भाई अब ये अपना मिशन फॉल बैक चालू कर देता है, बट भाई इसे भी हम बचा ही देते हैं। तो अब भाई इन्हें फिनिश करने के बाद चलते हैं और बंदों को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मेरा कॉल आता है मेरे टीममेट के द्वारा कि यहाँ पर बंदा है बगल वाले में। तो भाई मैं बिन झिझक उधर पे घुस जाता हूँ, और भाई मेरे को बचा लेता है। बहुत चच्चा रहते हैं बगल वाले घर में डिस्को डांस करने के लिए। तो भाई बॉट चच्चा को बचाने के बाद हम भाई चच्चा गिरी छोड़ के और बंदों को बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं कई बंदे। एक को मिस्टर एपिक बचा देते हैं। तो भाई हम अपना AKM लेके चल देते हैं भाई बस वाले के पास। तो पहले एस्कॉर्ट निकाल लेते, इसको मैं नॉक करता हूँ। एंड भाई इसे फिनिश ही कर देते हैं, क्योंकि भाई अपने किल को बचाना हमारी खुद की जिम्मेदारी। भाई अब आगे जाता हूँ और लेफ्ट से मेरे को हो जाता है B2। कोई आइडिया रहता मेरे को, और ये मेरा किल चोरी ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता मैं, बट क्या करने यार, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और मिस्टर एपिक गेमिंग किसी बॉट वॉट को बचा नहीं रहते हैं, तब तक मैं भाई मैं यहाँ पर एक लौंडे को बचा देता हूँ, जो कि भाई मेरे को मारने के पूरे मूड में रहता है, बट यहाँ पर क्राउचिंग शूट मेरा काम दे दिया। और भाई KPS का एम ज़्यादा चोक नहीं होता, बस कभी कभी बहुत भयंकर वाला चोक हो जाता है। तो नेवर माइंड, यहाँ पे बंदों को बचाने के बाद और चल देते हैं भाई आगे लौंडो को रस करने के लिए। अब यहाँ पर हम भाई शेर के मुंह में छिप के लिए डाल के पीछे भाग जाते हैं। तो एक पूरी स्क्वाड हमारे पीछे लगे रहते हैं गाड़ी लेके, और भाई हम यहाँ पे लाके ठोक देते हैं। और अब भाई मौका रहता है हमारे AR दिखाने का, एक S12 के से नॉक और भाई दूसरा मेरे को नॉक कर देता है। भले ही उसकी SU कितनी भी कम हो, बट मैं इससे बहुत गंदा पिटता हूँ, जो कि भाई बहुत ख़राब रहता है मेरे टीममेट के लिए। और यहाँ पर मिस्टर एपिक ने एक को नॉक किया, बट भाई एक S12 के बची थी अब उन पर मारने के लिए, सो भाई वो भी फिनिश हो जाते हैं। तो अब आ चुके रहते हैं भाई सेकेंड गेम प्ले में, जिसमें भाई मैं थोड़ा लेट वीडियो को वो करना चालू करता हूँ, डाउनलोड मतलब सेव करना, अरे यार रिकॉर्ड करना देरी से चालू करता हूँ। तो भाई अब इसमें देखो यार, ओल्ड बेसिल में क्या ही तबाही मचाता है भाई तुम्हारा भाई, देख के मतलब मज़ा आ जाएगा, कतई प्रो वाली फीलिंग आने लगती है यहाँ ओल्ड बेसिल के बंदों को ठिलाने के बाद। अब यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड रहती है, स्क्वाड नहीं है, तो भाई इन्हें भी बचाने के लिए भाई हम आज कर रहते हैं ओल्ड बेसिल की ओर।
तो एक नॉक देने के बाद मैं एक नॉक देने के बाद अपना गन जो लोड करता हूँ जो है DP28 और भाई आगे जाता हूँ बट फिर पीछे आता हूँ तो भाई वो मेरे को मार सकता था उस टाइम पर। तो उसके बाद मैं फिर से बाहर जाता हूँ एंड भाई उसे बचा देते हैं एक गोली मार के किल चोरी करके। तो अब इन्हें बचाने के बाद हमारी भाई आराम से लूट जाती है और भाई मेरे कन्फ्यूजन रहता है कि बगल वाले घर में बंदा है बट ऐसा नहीं रहता है। सो नेवर माइंड, लीव इट और डू एनीथिंग यू वांट। क्या ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। और अब भाई हम आ चुके रहते हैं पिंक हाउस की और यहाँ पर रहते हैं बंदे जो कि भाई हमारे लिए डेडली साबित होता है जिन्हें मारना। तो अब यहाँ पर भाई बंदों को बचा दिया जाता है हमारे TP के द्वारा। तो अब भाई पहले तो वेट करता हूँ और थोड़ी बॉट फायरिंग करते हैं कि भाई बंदे लुभा दिए जाए और हमें मारने के लिए भाई ब्रेक चालू करने का ट्रैक कर दे उल्लू। सो ऐसा ही होता है एस थॉट, बट वो जो स्प्रे उनका रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है और हमारे मिस्टर बचा दिए जाते हैं बंदों के द्वारा। तो अब एक यहाँ में नॉक देने के बाद मेरी जो पिंग रहती है वो हाई हो जाती है और बीट देती है। मैं यहाँ वेट करता हूँ थोड़ा देख ले एंड इसे फिनिश कर देता हूँ क्योंकि भाई बंदे को जिंदा छोड़ना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर भाई गन रिलोड करते हैं एंड मिस्टर एपिक के भैया को गलत जगह में बंदा लग रहता है जहाँ पर उनकी संतुष्टि के लिए मैं स्प्रे कर देता हूँ बट बंदा मेरे को तो स्पॉटेड दिखता ही है और यहाँ पर एक बॉट को किल करते हैं एंड अब हम अपना फर्स्ट एड लगा के हील कंप्लीट करते हैं ताकि भाई बंदा आ जाए तो हम उसे मार पाए। सो अब हम उन्हें रिवाइव देना चालू करते हैं मिस्टर एपिक भैया को एंड जो बंदा रहता है वो भाई हम पे रश करने के लिए आ जाता है बट उसके ज़रा से देरी के कारण एपिक भैया रिवाइव हो जाते हैं और उनका एक गोली वेस्ट हो जाता है एपिक भैया पे। तो एपिक भैया वापस से नॉक हो जाते हैं और हम उन्हें रिवाइव कर देते हैं और भाई ये स्क्वाड जो रहती है वही बचा दी जाती है हमारे स्कारल के द्वारा। अब हम थोड़ा आगे आते हैं और हमें एक गाड़ी दिखती है जिसमें हम अपना नकाम स्प्रे मारते हैं लेकिन फिर भी भाई काफ़ी डैमेज दे देते हैं, आग निकलने लगती है। अगर थोड़ा गोली और मार पाता तो भाई उन्हें वाइप आउट दे देते उसी टाइम पर बट ऐसा नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले भाई एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ मैं क्योंकि भाई मिस्टर एपिक भैया नॉक थे और वो मेरे को अपने पास बुलाते हैं तो मैं उनके पास चले जाता हूँ। तो अब भाई अपनी DP रिलोड करता हूँ और भाई उनके पास चले जाता हूँ और यहाँ पर भाई मेरे को बंदा अच्छे से स्पॉट होएगा तो मैं उसे मारना ज़्यादा प्रेफर करूँगा भले ओपन में बट भाई उसे मारना इजी है क्योंकि लेटे हुए बंदे पे हेडशॉट बहुत अच्छा लगता है अगर वो हाई ग्राउंड पे लेटा है तो, क्योंकि भाई उसका हेड ही पे कनेक्ट होगा भले ही आपका वो कितना भी मार वार दे बट फिर भी एम की बात है, सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद हम चल देते हैं भाई आगे और बंदों को बचाने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं सिंगल टावर में और यहाँ पर भाई बंदों को बचाने के चक्कर में हम भाई नीचे कूद जाते हैं और जितने भी किस्स रहते हैं वो सब मिस्टर एपिक को यहाँ ले लेते हैं क्योंकि भाई इतने नौ बंदों को यार कोई भी बचा लेगा सच्ची में। तो अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट भाई स्कारिंग किलर होने के बाद हम चल देते हैं आगे और थोड़ी सी फ्लेयर व्लेयर चला देते क्योंकि भाई हम पे गाड़ियाँ रहती और भाई BRDM से बढ़िया गाड़ी हो नहीं सकती, एक्चुअली बहुत सारी है क्योंकि BRDM जो है ना वो स्पीड तो टेक ओवर करती ही नहीं है। लगता है कि भाई आप बैलगाड़ी में चल रहे हो भले वो बैलगाड़ी आपका पूरा घर है, समझ रहे हो। तो BRDM है तो अच्छी बट चलती नहीं है भाई तेज, बट क्या ही उम्मीद कर सकते यार, टैंक है वो, टैंक तो धीमी ही चलती है। पर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, टैंक का मिसाइल कहाँ पर यार, टैंक है तो नेवर माइंड। अब भाई चल देते हैं और बंदों को बचाने के लिए क्योंकि भाई हम जब तक खड़े हैं हमें मारने वाला पैदा नहीं हुआ ये सिर्फ बहाना हो गया। और यहाँ पर भाई एक बंदे को देख के हम जो भागा, मैं जो भागा भाई कतई वाला फुल स्पीड में और भाई वही मेरा ये वो बता भी देता है, नहीं ब्रो कंट्रोल योर लिमिट्स, यू आर नॉट दैट प्रो टू दैट आप खड़े खड़े बंदों को मार दो। तो भाई हम आ जाते हैं कवर में और बंदा भी स्पॉट हो चुका रहता है। एक नॉक देने के बाद मैं पीछे आता हूँ तेज़ी से और यहाँ पर भाई हील करना चालू कर देता हूँ। तो अब मिस्टर एपिक भैया नॉक हो जाते हैं एनिमी के द्वारा एंड एक एनिमी नॉक देने के बाद एक एनिमी के द्वारा नॉक हो जाते हैं जिसे हम भाई फिनिश कर देते हैं। अच्छा नॉक नहीं हुए, मेरे को पता नहीं था, कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा, तो चलता है गाइस उतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो गई।
अब इतना होने के बाद हम भाई चाहते हैं अपने बीआरडीएम लेते हैं और आगे रस कर देते हैं। अब यहाँ पर रस करने के टाइम पे हमें भाई जो जो हमारे साथ बेट होता है ना, मैं बता नहीं सकता भाई। अब भाई मैं ऊपर चलता हूँ रस करने और एक नॉक देता हूँ तुरंत, क्योंकि भाई बहुत ईजी रहता है इसे नॉक देना। एंड भाई एक और नॉक देता, बट ये जो नेट था ना भाई, ये मिस्टर एपिक भैया ने जो नेट किया था ना, उसके कारण मैं पूरा यहाँ पर मैं नॉक हो गया, क्योंकि भाई इतना डैमेज पड़ गया ना मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और अब यहाँ पे दो बंदे थे जिससे भाई नहीं हो पाया, 1v3 करना उतना ईजी नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो अब आ जाते हैं भाई। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। और भाई 3 गेम लोग बोला था, 2 गेम है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यार।